like last year. This year, the Thai Embassy invited us to promote tourism in Thailand. But this time, our travel destination was Krabi, which is an amazingly beautiful place. Its serenity is unmatched. And Krabi is a perfect place for a family getaway. So enough with the talking, and let's start with the video. अच्छा गाइस तो हम लोग बैंकॉक पहुंच चुके हैं और द थाई एयरवेज की फ़्लाइट वाज सो सूदिंग कंफर्टेबल एंड रिलैक्सिंग. 5 घंटे कहाँ गए पता भी नहीं चला क्योंकि पूरा सोते हुए आया हूँ मैं. तो यहाँ हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है फ्रॉम बैंकॉक टू कराबी, तो बाकी हम आपको कराबी में मिलेंगे. What's up guys? तो आज हम लोग आए हैं हॉट स्प्रिंग्स. जो पानी जो गिर रहा है ना ये गर्म रहता है ऑल ईयर राउंड. मजा आ रहा है, पूरे दिन मैं यहाँ लेट सकता हूँ. यहाँ का पानी बहुत गर्म है और कितना है यहाँ 47 डिग्री. जिस होटल में हम लोग रुके हुए हैं उसका नाम है सोफिटेल फुकीट्रा और इट्स अ रिजोर्ट प्लस स्पा. यहाँ पर एक बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स भी है एंड द बेस्ट पार्ट सामने बीच व्यू है, पूरा समंदर है सामने. तो सुबह 6:30 से लेकर 10:30 तक सोफिटेल में कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट होता है और क्या वैरायटी होता है इनके पास. ओए ओए, कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट वो भी पूल साइड के बराबर में, इससे बेहतर नहीं हो सकता. बेहतर बिल्कुल हो सकता है, सुशी फॉर ब्रेकफास्ट, कम ऑन यार. Hey, what's up guys? तो आज एक नया दिन है और आज हम लोग बीच पे हैं क्योंकि अभी हमारी स्पीड बोट आएगी और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? चिकन आइलैंड. चिकन आइलैंड, पौधा आइलैंड एंड सेपरेट सीज. और सेपरेट सीज और ये सब जो जंक फूड है ये सब यहाँ जाएगा. ये है सेपरेट सीज. ये जो आइलैंड आप लोग देख रहे हैं ना ये हमेशा यहाँ नहीं होता. जब टाइड्स हाई होती हैं तो ये छुप जाता है और जब बारिश ज्यादा होती है तो पानी ज्यादा होता है. जब पानी ज्यादा होता है तो फिर आइलैंड डूब जाता है. चिकन आइलैंड पे हूँ और ये लोग सब मिलके अभी स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं. तो मैं बोट के अंदर ही हूँ, मुझे स्विमिंग नहीं आती तो थोड़ा बहुत तो मैं चले गया. बट ये लोग स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं और मैं बोट के अंदर बैठा इंजॉय कर रहा हूँ.
पहुंच गए पोडा आइलैंड पे। पोडा भी बोलते हैं हॉट पोडा। अच्छा गाइस, तो अभी हम लोग आए हुए हैं रायले आइलैंड। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड। यहाँ पर केव्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, एक मॉनिटर लिजर्ड था पीछे, बंदर भी हैं। Okay, Yaya, where are we? We are at Phak Bia Beach and people just enjoy. अभी हम लोग आए हुए हैं इस आइलैंड पे। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दिस आइलैंड बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अभी जंगल के थ्रू हम लोग हाइकिंग कर रहे हैं एंड अभी देखते हैं आगे क्या है। मुझे खुद नहीं पता आगे है क्या, तो व्हेन आई रीच देयर आई विल शो यू गाइस। चलो क्या व्यू है यार। गाइस से व्हाट्स अप टू द 360 कैमरा। तो गाइस आज हम लोग आए हैं पैराडाइज आइलैंड और अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो बहुत जबरदस्त व्यू मिलता है। ये देखिए अच्छा गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं लैम्सॉक और इस कम्युनिटी की मजे की बात ये है कि इट्स वेरी डाइवर्स। यहाँ आपको मुसलमान भी मिलेंगे, बुद्धिस्ट भी हैं, चाइनीज भी हैं और सबसे अच्छी बात they've learned to coexist for more than 100 years. Jackie piecing, piecing, piecing. तो अब हम आए हैं था क्लॉन्ग पोंग। मुझे लग रहा है यही नाम है। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। तो ये एक नेचर ट्रेल है व्हिच इज अबाउट 1200 मीटर्स और अभी हम जा रहे हैं इस ट्रेल पे। चलो अच्छा, अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ मशहूर ये है कि दो कलर के वाटर है वहाँ पे और जो एंट्रेंस से लेकर मतलब वहाँ तक तकरीबन 1200 मीटर है सफ़र, तो हमें वो पैदल चलना है। कलर ढूंढने आए थे पानी का। अभी फिलहाल हमको फील तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा बट स्टिल जगह बहुत प्यारी है ये। Okay, yeah, where are we going now? We are going to take the local boat and we will see how the local fishing and fishermen farming. And we're going to catch crabs and fish and shrimps and then we're going to eat them. Yeah. Shallow. 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 Shallow, let's go. Shallow, let's go. गाइस एक फिश फार्म है, यहाँ पर लॉबस्टर्स भी हैं, क्रैब्स भी हैं और ये समंदर के बीच में है। एंड या इज गोइंग टू टच वन ऑफ देम। हां ओ ये फिश तो चक्कर। होल्ड इट टाइटली, या होल्ड इट टाइटली, या लॉबस्टर बहुत टाइट से पकड़ना जल्दी, मेरे से दूर रखना। I have a lobster in my hand. Wanna hold it? Win khana nahi hai. De raha mujhe. Kill it. Right. Abhi mera haath chhod. Win khale muh mein dal. Abhi camera ta. Bhook lag rahi hai mujhe dekh ke.
ये तो मैं खा जाऊंगा बेटा। यहाँ पे हम फिशिंग करने नहीं, फिश फार्म देखने आए थे कि लोकल यहाँ किस तरह ब्रीड करते हैं, और समंदर के बीच में इन्होंने फार्म बनाया हुआ। तो ये एक यहाँ का लोकल टेम्पल है, और अभी हम ऊपर जा रहे हैं, देख के आते हैं कैसा है। चलो तो ये था हमारा इस दफा का थाईलैंड का ट्रिप। वी एंजॉयड आवरसेल्व्स। स्पेशल थैंक्स टू थाई एम्बेसी इस्लामाबाद, थाई एयरबेस एंड टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड।